अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो या M1 माइक की अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने दराज से मंगाया है, तो ये मुझे 1000 रुपये पड़ा है। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा बहुत बताता हूँ किस तरह इस्तेमाल होगा। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये इसके अंदर एक पाउच है वो या M1, ये यूट्यूब बनाने के लिए काम आता है, साफ़ सुथरी आवाज़ के लिए और ताकि जो नॉइस डिस्ट्रक्शन हो ख़त्म करता है ये इसको। तो ये इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये कुछ एक्सेसरीज लिख ली है, ये इसका माइक है और ये इसकी एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज में ये इसका माइक के लिए कवर है, ये क्लिप है, ये एक सेल है और ये एक टीवी में कैमरे बनाने के लिए एक जैक है और ये इसका 6 मीटर का तार है। ये काफ़ी लंबा एक तार देते हैं 6 मीटर का, तो इसको मैं करता हूँ। और ये काफ़ी लंबा तार है और इसका ये बीच का हिस्सा है और ये इसका ये इसमें लगेगा। उससे पहले इसमें क्लिप लगेगी, क्लिप लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्लिप यहाँ असेंबल हो गई है। क्लिप के बाद ये इसका कवर है ताकि डस्ट वस्ट से ये महफूज रहे। तो ये असेंबल हो गया आपका माइक का माउथ पीस असेंबल हो गया। इसके बाद इसमें ये इसके जैक है और अब इसमें बैटरी सेल लगाएंगे हम। तो इसको सेल को मैं निकालता हूँ, सेल निकाल लिया। इसको अब ओपन कहाँ से करना है ये देखिए, इसको यहाँ से ओपन करना है। ये इसको पकड़ के ये आला इसका सीधे हाथ में रखे और ये आला उल्टे हाथ में, इसको अब ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया, अब ये इसका सेल है। अब इसमें एक अंदर एक रिबिन नज़र नहीं आ रही, एक रिबिन होती है ताकि सेल निकालने में आसानी हो। तो मेरे ख्याल से रिबिन इसमें है नहीं, अंदर एक रिबिन भी होती है। तो इसको सेल को ये हिस्सा जो है आपने अंदर की तरफ रखना है और ये वाला हिस्सा आपने रखना है स्प्रिंग की तरफ। और इसको हम यहाँ से असम्बल कर रहे हैं, यह सेल इसमें डाल दिया। सेल डालने के बाद इसको दोबारा बंद करें। अब इसका यहाँ बटन है, इसमें दो ऑप्शन है, एक है एंड्रॉयड सेट का, नीचे एंड्रॉयड सेट का, ऊपर कैमरा टीवी में आप लगाएंगे तो ऊपर है। ये आपका कैमरे के लिए हो गया और या टीवी में जहाँ दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल करें उसके लिए, और ये एंड्रॉयड सेट के लिए। ये आपने इसकी सेटिंग हो गई है। अब इसको किसी भी मोबाइल में ले कर मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे मोबाइल में। इसको अब लगा लिया यहाँ पर जैक को, ये और ये आपका ये माइक इसमें लग गया। उसके बाद आपने सिंपल इसको नीचे अप कराया, एंड्रॉयड सेट में सेटिंग करी है। इसको आपने यहाँ पर क्लिप में लगा लें, और इसके बाद आप इसको कैमरे में जाके सिंपल हाँ इसके लिए सेटिंग करनी होती है। आप सेटिंग में जा करके जहाँ साउंड की सेटिंग होती है वहाँ जाके एक्सटर्नल जो माइक है उसको ऑन कर लें। जब आप एक्सटर्नल माइक ऑन करेंगे तो आपको काम करेगा, या कुछ मोबाइल में वो मतलब होता है कि वो डायरेक्ट आपको नहीं चलेगा। उसके लिए आपने ओपन कैमरा आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें ओपन कैमरा। और उसके बाद जिसके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं चल रहा है, और जहाँ डायरेक्ट चल रहा है तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं। ना ओपन कैमरा डाउनलोड करने के बाद आपने एक्सटर्नल माइक को उसको ऑन कर लें, उसके बाद ये आपका रेडी टू इस्तेमाल है। और इसको इस्तेमाल करें और मुझे बताएगा। वो या M1 माइक इस्तेमाल करने के लिए तरीका बताता हूँ जहाँ पर ये डायरेक्ट ना चले, उसके लिए कि ओपन कैमरा एक इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको ये तरीका ये है कि आप अपने प्ले स्टोर में जाएँ और यहाँ पर ओपन कैमरा लिखें,
ये ओपन कैमरा आ गया और मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने अगर नहीं हो तो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये ओपन कैमरा आ गया, इसमें जाके अब माइक की सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर गए, वीडियो सेटिंग में गए, वीडियो सेटिंग के बाद ऑडियो सोर्स में जाके आपने एक्सटर्नल, ये मैंने यहाँ पहले से किया हुआ है, एक्सटर्नल माइक इसको आपने ऑन कर लिया है। ठीक है, इस तरह करके आपने इसकी सेटिंग पूरी कर लेनी है। ये आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है अनबॉक्सिंग, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी कि आपको माइक इस्तेमाल करने का, बैटरी लगाने का तरीका और बैटरी किस तरह लगाना है, किस पोजीशन में इसको रखना है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो और हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो आप लोग लाजमी बताएगा और ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये लो सबको दिखा दो। और इसमें आपको एक बात और बता दूं, अगर जैसे ये इसकी सेटिंग रखी हुई नीचे रखेंगे ये भी ऑन कंडीशन में होगा, ऊपर रखेंगे भी ऑन कंडीशन में। इसको अगर आप बीच में कर देंगे तो ये आपका जो सेल होगा ये भी बचता रहेगा आपका। थोड़ा सा इसको सेंटर में कर दें आप, तो ये आपकी सेल की सेविंग भी रहेगी और ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, वरना ये मुसलसल ऑन रहेगा तो आपका सेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दरमियान में इसको रखें।